नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिस प्लांट को आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगी उसका नाम है टिकोमा। इसको मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, 4 दिन हो गए हैं और ये मुझे 120 रुपये का मिला है। काफ़ी सुंदर प्लांट है ये, बरसात के अंदर इसके अंदर काफ़ी फूल खिलते हैं, बरसात के अंदर ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। और इसके लिए मैंने जो पोट लिया है ये मेरा 20 साल पुराना पोट है, चाकोर। आजकल तो गोल या प्लास्टिक वाले मिलते हैं, अब ये कम ही मिलते नहीं हैं, लेकिन मेरा ये प्लांट इसी के अंदर लगेगा। मिट्टी मैंने इसके लिए जो तैयार की है नॉर्मल गार्डन सोयल है, कंपोस्ट है, स्टोन डस्ट है। और ये पत्ते हैं कुछ नीम के, अमरूद के, और ये एक मुट्ठी सरसों की खली है, फंजीसाइड है और कोकोपीट है। इसको मिला के मैं इसको लगाऊंगी, ये इतनी अच्छी इसकी मिट्टी तैयार हो जाएगी कि इसको 1 महीने तक कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इसी के अंदर अच्छे से चलता रहेगा। अब मैं इसको सारे जो इसका मटेरियल है इसको मिक्स करके और फिर इस पोट में इसको लगाऊंगी। ये दिया मैंने ले लिया है और जो इसका ये ड्रेनेज होल है इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ रख दें जिससे पानी ही एक्स्ट्रा बाहर जाए और मिट्टी ना निकले। और जो मैंने ये खाद तैयार की थी ये सारी मैंने मिक्स कर ली है, पत्ते अच्छे से इसमें मिला लिए हैं। अब ये खाद का काम करेंगे। अगर आपके पास भी कुछ पत्ते हैं उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा अपने किसी चीज़ में स्टोर करके रखें और अपने प्लांट में खाद के रूप में इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छी खाद बनती है। गमले के अंदर जो मैंने मिट्टी भर दी है और ये जो मेरे पास प्लांट है इसको मैंने रख के देख लिया कि कहाँ तक इसको मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। पोलोथीन में से इसको निकाल के और जितनी मिट्टी इसके अंदर है इतनी ही मिट्टी के अंदर मैं इसको लगा दूंगी और फिर साइड से जो मेरे पास बची हुई मिट्टी है वो सब इसके अंदर डाल दूंगी। प्लांट का हमेशा ध्यान रखे, जो इसका ये यहाँ तक का इसका जो तना है यहीं तक ही इसके मिट्टी रखें, इससे ऊपर मिट्टी जैसे कई लोग ऊपर तक कर देते वो नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऊपर तक मिट्टी करेंगे तो प्लांट जो है आपका अच्छे से नहीं चलेगा। उसी हिसाब से आप अपने पोट के साइज के हिसाब से ही मिट्टी और ये इस्तेमाल करें। मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से, मिट्टी इसकी साइडों में डाल दी है और अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी आप हमेशा अपने प्लांट को जब भी रिपोर्ट करें पानी इतना डाल दें उसके अंदर कि उसके ड्रेनेज होल से इतने पानी बाहर ना निकले, पानी डालते ही रहें। जितनी मिट्टी इसकी बैठनी होगी वो बैठ जाएगी और एक्स्ट्रा पानी जो है इसका बाहर निकल जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जो ये टिकोमा का प्लांट है इसके मेरे पास एक बेल भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और वो मेरी 10 साल पुरानी बेल है, उसके अंदर काफ़ी फूल बरसात में लगते हैं, मैं एक बार उसको भी आपको दिखाऊंगी। ये मेरे गार्डन में लगी हुई है, सर्दियों में ये बिल्कुल सूख जाती है, कुछ टहनियाँ इसकी अभी भी सूखी हुई है जो मैं तोड़ दूंगी और इस पे फूल आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी अच्छी ये ग्रोथ निकली है इसकी। अब सुबह सुबह का टाइम है, चिड़िया भी कितनी ची ची कर रही हैं। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें
और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।